everyone, welcome to my channel. This is my brand new channel and my name is Shelly. This is going to be my first video on YouTube. I have always wanted to do videos. मेको हमेशा से इतना पसंद था और मैं हमेशा सोच रही थी कि आई वॉन्ट टू डू व्लॉगिंग एंड मेक वीडियोज बट समहाउ मैं नहीं कर पा रही थी. सो रिसेंटली आई सैट डाउन एंड आई थॉट अबाउट इट कि इफ दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू सो दिस इज द टाइम. सो हियर आई एम टूडे. आई पिक्ड अप द फोन एंड आई स्टार्टेड टू व्लॉग. आई थॉट कि मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए सो दैट यू गाइज नो मी अ लिटिल बेटर. सो इन माई वीडियोज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो डेली व्लॉगिंग. So I hope you guys really like the video and if you did like so please consider subscribing to my channel. A few moments later. Hi everyone, welcome to our channel. As you all know, my name is Shelly and this is my son Viraj. Viraj, say hi. See kitna khush hai ye. और अभी अभी जस्ट हमारा प्रोग्राम बना रैंडमली एक प्लेस में जाने का. वी वांटेड टू टेक विराज टू अ स्पेशल प्लेस सो आई थॉट आई विल टेक यू गाइस अलोंग. सो विराज रेडी? हां. ये सो लेट्स गो. और यहाँ मैं आ गई थी, गाड़ी में बैठ गए थे हम लोग और ये है मेरे हस्बैंड एंड दिस इज़ माय सन विराज जिसे आप मिल ही चुके हो. और आपको पता है कि गाड़ी में बैठ के बच्चों के साथ रिकॉर्ड करना कितना ही मुश्किल हो जाता है. सो इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप रस्ते की बनाई थी आप लोगों के लिए और हम लोग इसको एक जगह पर ले कर जा रहे थे जहाँ पर इसके स्कूल में बोला था. विराज हम कहाँ जा रहे हैं? Yes, we are going to park. बस आने वाला है 2 मिनट्स में. Yes, अभी बस 2 मिनट्स में पहुंच जाएंगे. फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने जाना था. सो इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी. तो मैं अभी आप लोगों को लेके चलती हूँ कहाँ पे जा रहे हैं. ये है वो जगह यहाँ जहाँ पे हम आए हैं. बेसिकली एक फार्म है, प्राइवेट फार्म, और ये सैनिक फार्म्स में है. इसकी डिटेल सारी एड्रेस की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो यहाँ पे एक्चुअली एनिमल्स होते हैं बिकॉज विराज इज़ लर्निंग अबाउट एनिमल्स इन स्कूल. सो यहाँ पे सारे फार्म एनिमल्स होते हैं और यहाँ पे सबसे बेस्ट वे है कि बच्चे देखते हैं एंड दे कैन मीट द एनिमल्स एंड दे कैन लर्न अबाउट देम. और बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप एनिमल्स को फीड भी कर सकते हो. इसलिए हम स्पेशली इसको यहाँ पे लेके आए हैं ताकि इसको एक न्यू एक्सपीरियंस हो पाए. तो एक बहुत सुंदर सा ग्रीन सा गार्डन बना हुआ है. काफ़ी बड़ी प्लेस है, आई थिंक 1 एकर अराउंड लैंड होगा यहाँ पे. और अलग अलग सेक्शंस हैं. और ये जो आप छोटा सा केव देख रहे हो सामने, यही रिसेप्शन एरिया है. यहाँ से आप सारी डिटेल्स वगैरह ले सकते हो. और यहाँ पे मेरे हस्बैंड वही डिटेल्स ले रहे थे. और प्राइसिंग मैं आपको बताती हूँ, पर पर्सन के यहाँ पे विजिटिंग चार्जेस हैं 500 रुपीज़. इवन फॉर द किड्स ऑल्सो इट इज़ द सेम चार्जेस, 500 ईच. तो हम तीनों ने पे किया था 1500. और अगर आप चाहते हो कि आप एनिमल्स को फीड भी कराओ तो उसके आई थिंक 200 एक्स्ट्रा रुपीज़ लगते हैं. ये देखो, ये आ गए हैं हम डक्स वाली जगह पे. ये एक सेक्शन डक्स का है जहाँ पे इतनी सारी ये वाइट वाइट ब्यूटीफुल सी डक्स हैं और छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है इनके लिए. और विराज इतना एक्साइटेड हुआ है इनको देख के बिकॉज ही वाज सीइंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. अदरवाइज बच्चों ने तो बुक्स में ही देखा होता है ना. और ये आ गए भैया लेके हमारी फीड और अभी इसके पापा इसको देंगे, फीड पकड़ाएंगे. और ये देखो डक कितना खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया है. और इतना सुंदर साउंड निकाल रही थी ना ये सारी डक्स, एकदम जैसे ही हम आए इन्होंने देखा अपना फूड तो ये सारी इकट्ठी हो गई. और ये देखो कितनी क्यूटली डाल पा रहा है. तो यही एक एक्सपीरियंस था जो मैं आपको बता रही थी कि किड्स विल डेफिनेटली लव इट. और ये देखो कितनी क्यूटली ये डाल रहा है और इतना एक्साइटेड हो रहा है, आप देख ही सकते हो. तो यहाँ पे ये जो चांस मिलता है फीड करने का, दिस इज रियली नाइस. और अब हम जा रहे हैं दूसरे सेक्शन पे. और यहाँ पे क्या है देखो, हाँ, वाइट रैबिट्स. यहाँ पे बहुत सारे क्यूट क्यूट से बनी रैबिट्स थे. कुछ वाइट कलर के थे, कुछ पे ब्लैक स्पॉट्स थे और कुछ ब्राउन मिक्स थे. और विराज अगेन बहुत एक्साइटेड हो गया है. और यहाँ पे छोटा सा टेबल बना हुआ था जहाँ पे आप बैठ सकते हो. और धीरे से ये भैया उनका दरवाज़ा खोलेंगे एंड सारे रैबिट्स इकट्ठे आ जाते हैं. एक सेकेंड के लिए तो विराज डर ही गया था, फिर उसके पापा ने उसको हेल्प किया, उसको बिठाया एंड धीरे धीरे से उसको फीड करा. इतने क्यूट होते हैं रैबिट्स, ऑब्वियसली आपको पता ही है. एंड ऑब्वियसली किड्स तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं उनको देख के.
गोट्स हो गए, अब बारी है गोट्स की। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये गोट्स का एरिया बना हुआ था, हालांकि यू डोंट नीड टू वरी, ये सारे एक्चुअली थोड़ी सी वीक ज़रूर लग रहे होंगे देखने में, बट हमने बाद में जब इनकी एनिमल कंडीशंस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सारे एनिमल्स रेस्क्यूड हैं, सो तभी इनके ये थोड़ा सा वीक लग रहे थे देखने में। सो आफ्टर दैट हम लोग वहाँ से फार्म से निकले, तो हमें थोड़ा सा एक्चुअली कुछ सामान लेना था और थोड़ा काम था, तो वी डिसाइडेड दैट वील गो टू सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली आ गए थे एंड ऑल्सो बहुत पास ही था वहाँ से। हाई, सो सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड, मैं एक्चुअली आज रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही, एक तो आवाज़ बहुत कम आ रही है, शोर है आसपास मॉल में एंड ऑल्सो आज थोड़ा भीड़ है, थोड़ा पैक्ड है, तो इसकी वजह से भी, और विराज बिल्कुल ही ब्लॉग नहीं करने दे रहा क्योंकि ही कीप ऑन रनिंग हियर एंड देयर, तो हम लोग स्टोर में भी ज़्यादा नहीं देख रहे। एक्चुअली हम लोग इसलिए आए थे बिकॉज रक्षाबंधन इज कमिंग, सो आई वॉन्टेड टू सी सम गिफ्ट्स फॉर द फैमिली एंड माई भाई ऑल्सो, बट अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं किया क्योंकि हम लोग देख ही नहीं पा रहे ढंग से, एक दो स्टोर्स चेक किए, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अगर मेरे को मिलता है तो आई विल शो यू गाइस व्हाट आई बॉट। ठीक है, ये वाले ठीक है। प्लांट्स कहाँ हैं? देखो कहाँ है प्लांट्स? उधर? यहीं आके बैठ जाओ। नो विराज को देखो जरा कहाँ घुस गया है। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? लग जाएगी। नो 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 नो, इधर आ जा, जल्दी आ जा, बाहर आ जा, गुस्सा करेंगे भैया, गुस्सा करेंगे, कम आउटसाइड, मम्मा इज गोइंग। शैतानी कर रहे, लग गई ना आप, फिर आपकी गलती हुई ना फिर। हाँ तो फिर क्यों खड़े हुए? इतना तंग कर रहा है आज, ये बहुत तंग कर रहा है, टिक ही नहीं रहा बिल्कुल भी, आई थिंक अभी थक गया और इसको नींद आ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा क्रेजी हरकतें कर रहा है ये। लो ये क्या कर रहा है, जूते उतार के भागी जा रहा है इधर उधर। विराज नो, What are you doing? कर क्या रहे हो आप? No 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 no. जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। Finally मॉल से बाहर आ गए हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं। इसने आज बहुत तंग किया इसलिए बहुत टायर्ड हो गई हूँ। विराज अब ये भी बहुत थक चुका है एंड पहले सोच रहे थे कि वील हैव डिनर समवेयर, बट अनफॉर्चुनेटली इतना थक गए हैं कि अब हिम्मत नहीं हो रही और इसको भी, ये भी बहुत थक गया है, तो वी विल गो बैक होम एंड हैव डिनर देयर। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। विराज बाय कर दो, बाय।